Hello, good morning student. So today topic is about discuss important mitosporic fungi. आज हम उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिससे हर कंपटीशन में दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे डिपेंड है टॉपिक। और इसमें हम देखते हैं कि दो तरह के फंगस होते हैं, जैसे एक होता है एनामॉर्फिक स्टेज और दूसरा होता है टीलोमॉर्फिक। एनामॉर्फिक मीन्स जो कि प्री मैच्योर कंडीशन में होते हैं, जिसमें सेक्सुअल लाइफ आगे कंप्लीट नहीं होती है, उस तरह के रिप्रोडक्शन में फंगस को का कैरेक्टर कुछ अलग दिखाई देता है। लेकिन जब वही टीलोमॉर्फिक स्टेज में आता है तो उसका कैरेक्टर कुछ अलग हो जाता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा हो, उसका व्यवहार कैरेक्टर, उसके चेहरे को बनावट देखिए, और वहीं जब 22 साल का लड़का बड़ा हो जाता है, दाढ़ी मोछ आ जाती है, तो उसका कैरेक्टर एकदम भिन्न हो जाता है। सेम ऐसे ही फंगस का कैरेक्टर होता है। जब लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होती है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होता है, तो इस तरह के फंगस को हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिट्रोमाइट नाम रखते हैं। लेकिन बाद में वहीं लाइफ साइकिल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होने लगता है, कैरेक्टर चेंज हो जाता है, तो ये एस्कोमाइट नाम फंगस से बिलोंग करने लगते हैं। तो उसी को हम कहते हैं, एक होता है एनामॉर्फिक स्टेज, दूसरा होता है टीलोमॉर्फिक स्टेज, राइट। अब देखिए पेंसिलियम, पेंसिलियम के एनामॉर्फिक स्टेज है जिसको आप जानते होंगे, लेकिन इसका टेलोमॉर्फिक स्टेज, परफेक्ट स्टेज जिसको हम कहते हैं, परफेक्ट स्टेज टेलोरोमाइसिस होता है। परफेक्ट स्टेज क्या कहता है? टेलोरोमाइसिस होता है। नंबर टू है एस्परजिलस, एस्परजिलस इरोसियम, इरोसियम एस्परजिलस का परफेक्ट स्टेज जो है या सेक्सुअल स्टेज होता है, उसको हम इरोसियम कहते हैं। नंबर थर्ड है इरिसाइफी ओएडियम। नेक्स्ट है पैसिलोमाइसिस, बायोस्कैलोमाइसिस। नेक्स्ट है कॉलरिया, कॉलरिया का है सेरटोसिस्टेसिस, परफेक्ट स्टेज सेरटोसिस्टेसिस। नेक्स्ट है एक्रोमोनियम, एक्रोमोनियम का इपिक्लोआ, एक्रोमोनियम का इपिक्लोआ। नेक्स्ट है स्पोरोथिरेक्स, स्पोरोथिरेक्स का ओपिस्टोमा, क्या नाम है? ओफिस्टोमा। नेक्स्ट है ट्राइकोडर्मा और बर्टिसिलियम, उसको हाइपोसीरिया बोलते हैं, उसका परफेक्ट स्टेज क्या है? हाइपोसीरिया। नेक्स्ट है फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम का परफेक्ट स्टेज क्या कहलाता है? जिब्रेला। कोलेट्रोट्राइकम, कोलेट्रोट्राइकम का परफेक्ट स्टेज ग्लोमेरेला। नेक्स्ट है एक्स सेरोलियम, एक्स सेरोलियम का सेटोस्पोरिया। नेक्स्ट है कर्बुलेरिया, कर्बुलेरिया का परफेक्ट स्टेज कोचोलियो बोलस कहलाता है, क्या है? कोचोलियो बोलस। नेक्स्ट है सार्कोस्पोरा या सेप्टोरिया, इसको माइकोस्फेरेला कहते हैं, सेप्टोस्पोरा आर सेप्टोरिया माइकोस्फेरेला। फाइलोस्टिक, फाइलोस्टिक्टा, फाइलोस्टिक्टा का गोइनीडर्मा, सॉरी गोइनारिडिया, गोइनारिडिया। नेक्स्ट है अल्टरनेरिया लिविया, LEWIA लिविया। स्टेम फाइलम प्लियोस्पोरा, स्टेम फाइलम का परफेक्ट स्टेज क्या है? प्लियोस्पोरा। बाइपोलरिस कोचुलियो बोलस, ड्रिपफ्लोरा पायरनोपोरा, परफेक्ट स्टेज पायरनोपोरा। ग्लेडोस्पोरियम फ्यूलिया या बेंचूरिया, ग्लेडोस्पोरियम को बेंचूरिया, परफेक्ट स्टेज क्या है इसका? बेंचूरिया। स्क्लेरोसियम रोल्फेसाई, एथिलियम, एथिलियम। रायोक्टिनिया सोलेनाई, थाना टेफोरियस। नेक्स्ट है मेलनकोनियम, ग्रीनेरिया, ग्रीनेरिया। मार्सोनिना का है डाइप्लोकार्पोन। मोनिलिनिया का मोनिलिनिया। बोट्राइटिस, बोट्राइटिसिना। और स्पोरोप्सिस, बोट्राइटोस्पोरिया। इस तरह कुछ परफेक्ट स्टेज फंगस के हैं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उसके परफेक्ट स्टेज। सो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है माइटोस्पोरिक या परफेक्ट स्टेज फंगस का,
जिसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इरसाची पूछता है, पेंसिलियम को पूछता है, ट्राइकोडर्मा का पूछता है, अल्टरनेरिया का पूछता है, बाइपोलोरिस को पूछता है, इस तरह सबके परफेक्ट स्टेज आपको बता दिए गए हैं। तो बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।